What's up, everybody? Welcome back to my channel, Bikealog Varun. And today I brought a product review for all of you. आज जो मैं product review करने वाला हूँ वो riding करते वक्त पहनने वाला वो important gear है जो हमें कभी भी miss out नहीं करना चाहिए. This is actually my old riding jacket जो मैं almost 1 year से डाल रहा हूँ. This is Stealth Evo and this is the first riding jacket और आई शुड कॉल अ टूरिंग जैकेट जो एक राइनॉक्स ने लॉन्च की थी इंडिया में. और इसकी बेस्ट पार्ट यह है कि एक साल रफ एंड टफ यूज करेंगे. आई थिंक आई रोड ऑलमोस्ट 30,000 इन लास्ट 1 year और 1 year में इसको 30,000 किलोमीटर्स डालने के बाद भी इसकी जो क्वालिटी है इफ यू सी फ्रॉम इनसाइड इसमें कुछ भी वेयर एंड टीयर नहीं हुआ है. ऑब्वियसली ये थोड़ी डर्टी हो गई है लेकिन अदर देन दैट इसके अंदर कोई भी वेयर एंड टीयर नहीं हुआ है. तो गाइज आज मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा. इसको आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा है. आज मैं आपको बताऊंगा एक लेटेस्ट राइनॉक्स जैकेट जिसका रिव्यू अभी तक इंटरनेट पे नहीं आया है और वो है राइट इन फ्रंट ऑफ मी. तो आई थिंक आई एम द फर्स्ट ओनर ऑफ दिस राइनॉक्स जैकेट. जैसे ये लॉन्च हुई, जैसे साइट पे पब्लिश हुई, आई ऑर्डर इट एंड टुडे मॉर्निंग आई रिसीव्ड इट. तो आई थिंक एक दिन पहले ये लॉन्च हुई थी और आज मुझे मिल रही है. आई डोंट नो मैं वीडियो कब तक अपलोड करूंगा बट I wanted to bring my first impression of this jacket in front of you and there are a lot of new things which Indian company has tried and let me unbox it and then bring it in front of you. So first of all, let me tell you this jacket costed me 11,550 rupees aur jo meri purani wali jacket hai that costed me around 10,000 or something. But compared to that jacket, let's check what is the quality and what is my first impression basically about this jacket and I hope you will like it. So guys, jo purani wali jacket thi wo bhi exactly same cover mein aati thi. Iske andar you know same kind of packaging. Isko hum side mein rakh dete hain and okay, this is the jacket. Please have a very good look. If you are not getting time to visit a store or something, then I want you to have a very good look at it. मैं इसका B-roll डालता हूँ. आप इसको close से देखिए कि ये jacket कैसी दिखती है. फिर मैं आपको इसके बारे में और ज़्यादा बताता हूँ. Jacket, the Stealth Evo version 3 L2 jacket and trust me the material looks so premium. मैं आपको इसको पहन के दिखाता हूँ and you know the best part of this this particular jacket is इसका ये हाथ. If you closely look at this, this looks so soft to the skin. Wow man, Rhinox आपने पिछली वाली जैकेट में क्यों नहीं दिया ये वाला. पुरानी जैकेट की तरह इस जैकेट में भी एक वार्मर है इनसाइड एंड आई फील इसका जो रेन कवर है वो बाहर की तरफ होगा. लेट्स चेक इट आउट. ओके सो द गाइस रेन कवर राइनॉक्स में पीछे की तरफ दिया होता है. ओ वाव, दिस रेन कवर इज मच बेटर देन द प्रीवियस वन. ट्रस्ट मी राइनॉक्स. एंड उसको पहनने के बाद देखते हैं. और ये जो जैकेट है ये आप अपने रेन कवर के लिए, एक्सटर्नल रेन कवर के लिए यूज कर सकते हो क्योंकि अगर आप इनर रेन कवर डालते हो तो प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी जैकेट्स गीली होने के बाद हैवी हो जाती है और सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है. सो ट्रस्ट मी, जो एक्सटर्नल रेन कवर है इट इज मच यूजफुल देन द इनर रेन कवर क्योंकि वो आपकी जैकेट को गीला होने से बचाता है और गंदा होने से भी बचाता है. सो गाइस इसके जो आर्मर्स हैं, इसके जो आर्मर्स हैं वो है नॉक्स लेवल 2 और जो इसका चेस्ट आर्मर है दैट इज सीई प्रोटेक्टर्स ऑन द चेस्ट. और इस पर्टिकुलर जैकेट में यस इस पर्टिकुलर जैकेट का सबसे यूनिक पार्ट है ये बेल्ट. ये बेल्ट है एक्चुअली अ किडनी बेल्ट बट इट आल्सो गिव्स
lot of support to your lower back. So जब आप राइडिंग करते हो और लोअर बैक आपका पेन होना लग जाता है, देन फॉर दोज पीपल और इवन इफ आपको बैक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल आई थिंक इफ यू वेयर दिस बेल्ट ओवर योर बैक, आई थिंक इट विल बी वोन समथिंग लाइक दिस. ओके, तो अगर आप देख रहे हो, सो दिस आप इसको अगर टाइट करोगे, वाओ, इट एक्चुअली गिव्स लॉट ऑफ यू नो सपोर्ट टू द लोअर बैक ऑफ द बॉडी. सो आई डोंट नो, इसको किडनी प्रोटेक्टर नहीं बोलेंगे, इट इज अ किडनी बेल्ट. और अगर आप मोटोक्रॉस देखते हो, मोटोक्रॉस रेसिंग या कुछ भी, उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे जो स्टंट करते हैं लोग, दे वेयर दीज काइंड ऑफ बेल्ट्स, एंड सम कम्स विद आर्मर्स, सम आर नॉर्मल बेल्ट्स लाइक दिस. तो इफ यू लाइक दिस फीचर, देन प्लीज टेक अ गुड एडवाइस दैट दिस विल डेफिनेटली सेव यू फ्रॉम लॉट ऑफ पेन. सो गाइस, अब बात करते हैं इसके मटेरियल की. इसका जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा, एक्चुअली दिस मटेरियल ऑल्सो लुक्स लाइक वाटर रिपेलेंट. आई डोंट नो इफ इट इज एक्चुअली वाटर रिपेलेंट और नॉट. और अब मैं इसको पहन के देखता हूँ कि इसकी फीलिंग कैसी आती है. फॉर नाउ मैं इसका अंदर का वार्मर नहीं उतार रहा हूँ, सो लेट मी वेयर इट एज इट इज एंड चेक इट आउट. Wow, look at it. Look at this jacket, man. Guys, trust me, मैं अपनी BMW चलाता हूँ. BMW के शोरूम में भी बहुत प्रीमियम जैकेट्स मिलती है और बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है इसको डालने के बाद. Yes. So guys, you tell me, how does it look? तो guys, नॉक्स लेवल 2 के होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और आपके हाथों में, सी मैं अपने हाथों को कितने इजीली फोल्ड कर पा रहा हूँ, अपने शोल्डर्स को इजीली मूव कर पा रहा हूँ. सो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है ऐसे नॉक्स प्रोटेक्टर्स का कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. मैंने कुछ आफ्टर मार्केट भी लेवल 2 प्रोटेक्टर्स खरीदे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, जो नॉक्स के हैं, दीज आर रियली सॉफ्ट और मेरे पुराने वाले से बेटर है. और इसका जो बैक आर्मर है वो भी नॉक्स लेवल 2 है, जबकि जो मेरा पुराना जैकेट है उसमें नॉक्स लेवल 1 है, क्योंकि वो वर्जन 1 जैकेट थी. तो गाइज, अब इसके वेंटिलेशन के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, इसका ये वाला पार्ट, दिस इज रियली वेरी सॉफ्ट. दिस पार्ट इज रियली रियली वेरी सॉफ्ट एंड सेम लाइक द ओल्ड जैकेट, इट हैज़ अ वेंटिलेशन ऑन द हैंड्स एंड ओके and there are ventilations on the chest and I believe yahan pe honge iske do ventilations. I don't need this. Iska ye jo button hai, collar ka button hai, ye bhi adjustable hota hai depending on your neck size. Aur iska jo upar ka top ka material hai, that is also really really very soft and good for the skin. तो गाइज, दो वेंटिलेशन यहाँ हैं, दो यहाँ हैं, दो हाथों में है. और आई बिलीव आई वेयर द जैकेट लिटिल लूज, तो इसके अंदर एक ऑप्शन है दैट यू कैन मेक योर जैकेट रियली रियली लूज एंड कम्फर्टेबल. तो आई बिलीव इसके दो वेंट्स यहाँ पे होने चाहिए, वन इज हेयर एंड वन इज हेयर, और दो बैक में होने चाहिए. तो गाइज, टोटली 1, 2, 3, 4, 5. There are vents on 5 places. So guys, I feel this jacket is quite good, comfortable. The material is quite premium, and till now there is no review for this jacket on internet. So I think I'm the first one who is posting the review of this jacket on internet. So guys, if you are sitting at home having a look, for me it is thumbs up. And being a owner for this jacket for more than 30,000 kilometers, I feel that this particular jacket is more premium looking, more protective because it got chest protectors. मैं आपको इसके chest protector भी दिखाता हूँ एक बार. So guys, if you see here, this is the chest protector for this jacket. Or if you see here, this is a CE certified Rhinox chest protectors. Or
It may look like a cushion or a soft thing, but trust me, when I'm tapping it, listen to the sound. It is quite good, but there are few other companies who are selling level 1 or something like that. But being a Rhinox customer for a long time, I feel they are not bad. And the first jacket in the country which is giving a kidney belt, but to be frank, you can buy aftermarket market kidney belts and you can use it with your current jackets. If you are still using Rhinox, you can just add on a kidney belt and you can wear them. This has nothing to do with the jacket, to be frank. But again, a very good initiative from Rhinox to, you know, care about the riders and giving this belt and caring about the lower back of all the riders. So guys, if you want more information about this jacket, then connect to my Insta ID. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. I have a Facebook page too. So please connect to me everywhere. And last time, I started my adventure classes. So, with adventure classes, of course, safety gears are also very important. If you really like this video and if you have more questions about the jacket, just let me know. And always wear a riding gear, always wear a helmet, always wear good gloves, always wear good shoes. And I also wear Rhinox pants, which are amazing. So, if you have any questions about it, just let me know. This video ko khatam karunga aur aapko milunga next video mein. Till then, love you, take care, bye bye.